नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर जैतपुर में युवती से गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने बीजेपी नेता समेत चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। फिलहाल चारों आरोपी फरार है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पीड़िता के परिजन के मुताबिक 18 फरवरी को बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी ने तीन लोगों के साथ मिलकर उसे अगवा किया था। आरोपी युवती को जबरन एक फार्म हाउस में ले गए, जहां उन्होंने युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। युवती को बंधक बनाकर चारों आरोपियों ने दो दिन तक सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर आरोपी उसे घर के सामने ही फेंक कर फरार हो गए। राजेश शुक्ला और विजय त्रिपाठी और मुन्ना मिश्रा हैं, ये चारों लोग मिलके लड़की का अपहरण किए, मुंह बांध कर गाड़ी में ले गए और रेप अटेम्प्ट किया। उसके बाद जब हम कंप्लेन करने गए तो कंप्लेन करने के बाद शाम को लड़की को कुछ पिलाकर नशीली पदार्थ घर के बाहर फेंक के चले गए। को राजेश शुक्ला के फार्म हाउस में रखा गया। फिर आपको घटना की कैसी जानकारी? घटना की जानकारी हमें नहीं हुई सर। हमें घटना की जानकारी तब हुई जब लड़की गेट के सामने आके पड़ी मिली है, तो हम गए हॉस्पिटल लेके गए। जब लड़की को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, उसका इलाज किया, इलाज करने के बाद जब लड़की को थोड़ा होश आया, तब हमें पता चला कि ये चारों व्यक्ति आरोपी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। कुछ इंजेक्शन या नशीली पदार्थ पिलाया गया था सर, जबरदस्ती पिलाया गया था। तो सर कितने दिन अगवा करके रखे सर? 18 तारीख को अब अगवा किए हैं सर, 19-20 तारीख की रात को छोड़ के गए। बेहोशी की हालत में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने जैतपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी और उनके साथी राजेश शुक्ला, मुन्ना सिंह, मोनू महाराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना जैतपुर में आज एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसके उसमें बताया है कि चार लोगों ने उसके साथ एक फार्म हाउस में गलत हरकत की है और इस पर से थाना जैतपुर में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। और थाना जयपुर उसमें शिकन पंजीबद्ध करने के बाद में उसमें झांकी पुलिस का मामला है। आरोपियों के नाम क्या है? आरोपी इसमें चार हैं, विजय त्रिपाठी, मुन्ना सिंह, राजेश शुक्ला, मोनू महाराज हैं। इनके विरुद्ध में प्रकरण पंजीबद्ध किया। क्या किसी राजनीतिक पार्टी से भी है? हाँ, अभी किस में क्या है इसका मन हम जांच कर रहे हैं। बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष पीड़िता के परिजन पर दबाव बना रहा है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए विजय त्रिपाठी को पद और प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। वही पूरा मामला रसूखदारों से जुड़ा होने पर पीड़िता के परिजन ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। साधना न्यूज के लिए शहडोल से संवाददाता मोहम्मद मुनीर की रिपोर्ट।